हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ नई तरह से वर्मिसेली। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करें और एक पतीले में 4 कप पानी चढ़ा दें। पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने दें। जब पानी बॉईल हो जाए तब हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालें। तेल आप कोई भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल का यूज कर रही हूँ। अब पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने दें। जब पानी बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें वर्मिसेली डालेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे 1 कप इस तरह का कप से फुल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे मोटी वाली वर्मिसेली का यूज किया है। अब हम इसी कप से 1/3 कप और वर्मिसेली डालेंगे। अब इसे बॉईल होने दें। अब इसे हाई फ्लेम पे ही बॉईल करें। इसे बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहें, वरना ये चिपक जाएगी। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, इसे बस 90% ही कुक करें। 2-3 मिनट बॉईल करने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि ये कितना पका है। आप इसी तरह से चला के 1 चम्मच पे उठाकर वर्मिसेली को चेक करें कि ये किस तरह का कुक हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पे 1 चम्मच में थोड़ा सा उठा रही हूँ वर्मिसेली। अब इसे मैं हाथों से इस तरह से तोड़ कर दिखाऊंगी। देखिए, ये बहुत इजीली टूट जा रहा है, मतलब कट जा रहा है। इसका मतलब हमारा वर्मिसेली जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब एक इस तरह का भगोना ले ले और उस पे छन्नी रख दे और उसमें सारे पानी को इसी तरह से छान दे। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे ताकि हमारा वर्मिसेली जो है वो चिपके नहीं। तो आप उसमें इसी तरह से ठंडा पानी डालें। इसे ठंडे पानी से जरूर धोए, वरना ये आपस में चिपकने लगेगा। देखिए, वर्मिसेली जो है वो कितना खिला खिला बॉईल हुआ है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच इस तरह से डाल रही हूँ। हम यहाँ पे तेल का यूज इसलिए करते हैं ताकि वर्मिसेली जो है वो आपस में चिपके नहीं। तेल डालने के बाद उसे इसी तरह से मिला दे। इसे साइड कर दे और गैस पे 1 कढ़ाई चढ़ाए। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने दे और उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डाले। तेल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप खाते हो या जो आपको पसंद हो। अब यहाँ पे मैं इस तरह की सब्जियों को कट करके रखी हुई हूँ एक प्लेट में। देखिए, गाजर को बिल्कुल आपको इसी तरह से कट करना है। शिमला मिर्च को भी इसी तरह से लंबे लंबे कट कर ले। यहाँ पे मैंने बीटरूट लिया है, बीटरूट को मैंने इसी तरह से कट कर लिया है लंबे लंबे। हरी मिर्च ले ले, हरी मिर्च को बीच से इस तरह से कट कर ले। प्याज को इसी तरह से लंबे लंबे कट कर ले। जब तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए तब आप उसमें करी पत्ते को इस तरह से तोड़ के डालें। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब इसे हल्का सा सॉटे करें और फिर इसमें हम प्याज डालेंगे।
यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज यूज किया है। प्याज को आप बिल्कुल इसी तरह लंबा लंबा ही कट करें। अब इसे डाल दें और इसे अच्छी तरह से सॉटे करें। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें बीटरूट डालेंगे। बीटरूट को भी आप इसी तरह से कट करके डालें। यहाँ पे मैंने हाफ बीटरूट का यूज किया है। अब इसमें गाजर को भी डाल दें और अब इसे चला लें। हमें इसे अच्छी तरह से चलाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। 2-3 मिनट हमें इसे इसी तरह से भूनना है। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम लास्ट में इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को हम हमेशा लास्ट में यूज करते हैं ताकि वो जो है जब कच्चा कच्चा हल्का मुंह में आता है तो वो खाने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए अब जब सब कुछ अच्छी तरह से पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज शिमला मिर्च का यूज किया है। आप चाहे तो इसमें और भी कलर का शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च का ही यूज किया है। अब इसे भी चला ले। अब यहाँ पे 1 छोटी चम्मच विनेगर डालें। इसे एक बार इसी तरह से चला ले। अब हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाला है। इसे भी चला ले। अब इसमें 1/2 टीस्पून सोया सॉस डालें, 3 छोटी चम्मच टमाटर की चटनी डालें, यानी कि टमाटो सॉस डालें, 1 छोटी चम्मच हम इसमें शेजवान चटनी डालेंगे। अब इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इन सभी को इसी तरह से भूनें। 1-2 मिनट हमें इसी तरह से इसे भूनना है। देखिए हम इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे 1-2 मिनट। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने चौमिन का मसाला यूज किया है। आप चाहे तो इसमें कोई भी मसाला डाल सकते हैं, जैसे पास्ता मसाला या चौमिन मसाला। तो मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच चौमिन की मसाला को डाल रही हूँ। अब इसे भी 1 मिनट इसी तरह से भून ले। 1 मिनट इसे फ्राई करने के बाद अब हम इसमें अपनी वर्मिसेली डालेंगे। जो सेवइयां को हमने अभी बॉईल करके रखा था उसे आप इसमें डाल दें। इसे डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से इसे चलाएं। अब हमें इसे सबको मिक्स करना है। इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। हमें इसे तब तक इसी तरह से फ्राई करना है जब तक कि ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाए। तो इसे इसी तरह से भूनते रहें। एकदम हल्के हाथ से इसे चलाएं ताकि ये जो है चिपक नहीं जाए। देखिए ये कितनी खिली खिली बनकर तैयार हुई है।
तो हमारी जो बर्मिसेली है वो बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए अब सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए आप एक प्लेट ले लें और उसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाएं। तो देखा ना आपने, बर्मिसेली बनाना कितना आसान है। यहाँ पे मैंने नए तरीके से बर्मिसेली बनाकर तैयार की है। आप एक बार इस तरह से बर्मिसेली घर पर जरूर बनाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जब भी आपको नूडल्स या चाउमीन खाने का मन नहीं करे तो आप बर्मिसेली इसी तरह से बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो आप घर पर इसे जरूर बनाएं। बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो अब जब भी कुछ नया और इंटरेस्टिंग खाने का मन हो तो आप इस तरह से बर्मिसेली घर पर जरूर बनाएं। देखिए ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। हम इसे सामने से देखते हैं। देख रहे हैं ना, ये कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है एक दूसरे में। ये पूरी तरह से खिला खिला है। तो इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी झंझट नहीं है इसे बनाने में। कोई भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रेसिपीज और लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इस डिश को एंजॉय करें। घर पर बनाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।